बाढ़ और सेम ग्रस्त पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज विधायक डूडाराम के घर का घेराव किया गया। भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय से प्रदर्शन करते हुए निकले और लाल बत्ती होते हुए भट्टू रोड पर विधायक के घर के बाहर पहुंचे। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल पहले से ही यहां तैनात किया हुआ था। एक तरह से विधायक आवास के बाहर का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। किसानों ने यहां पहुंचकर एक तरफ का रोड ब्लॉक कर दिया और वहीं पर बैठ गए। किसानों ने विधायक डूडाराम झूठा और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना रोष जाहिर किया। आपको बता दें कि आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 15 दिनों से लघु सचिवालय के बाहर पक्का पड़ाव डालकर बैठे हैं। तो वही पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का पक्का मोर्चा भी अलग से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज विधायक के घर का घेराव करने का ऐलान किया था और इसी के तहत आज सुबह से ही भारी संख्या में जिले भर से किसान पक्का पड़ाव पर पहुंचना शुरू हो गए थे। दोपहर करीब 2 बजे के बाद संख्या काफी हो जाने के बाद किसान वहां से प्रदर्शन कर विधायक के घर को कूच कर गए। किसानों ने बताया कि लगातार कई दिन से वे अपनी मांगों के समाधान के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फतेहाबाद विधायक पर सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिन्हें फतेहाबाद जिले के लोगों की समस्याएं दिखाई नहीं देती। ऐसे में ये निर्णय लिया गया। किसान बाढ़ से बर्बाद फसलों, ट्यूबवेलों, घरों, भूमि कटाव से हुए नुकसान, जल भराव, आगजनी व साल 2020, 21 और 22 में रोग से नष्ट नरमा की फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत है। तो वहीं विधायक दुड़ाराम ने कहा कि मैंने विधानसभा सत्र में बाढ़ के पानी व किसानों के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखी थी। कुछ क्षेत्रों में सेम की समस्या है और उनका जल्द से जल्द निपटान किया जाएगा। किसानों ने ज्ञापन दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट कर रखा है, मुख्यमंत्री जी मैंने भी किसानों को कहा कि सर्वे चल रहा है, जहां दोबारा बिजाई हुई है उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये भी मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करने वाले हैं, दोबारा बिजाई उसके लिए भी, जहां बिजाई नहीं हुई हो रही उसके लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे चीज लगे हुए हैं, सर्वे आपके पास सामने है, और जहाँ मकान गिरे मकानों का भी नुकसान, जो भी किसानों के नुकसान हुआ है इस बार बाढ़ के पानी से चाहे सेम के पानी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये वैसे भी अनाउंसमेंट रखा है, पार्टी मीटिंग भी कहा, मैंने विधानसभा में बात कही है, सब विधायकों ने बात कही है, बहुत जल्दी सर्वे चल रहा है, जो इनकी बात है बहुत जल्दी किसानों के खातों में जो जैसा भी नुकसान हुआ है दोबारा बिजाई है उसके हिसाब से दोबारा बिजाई वाला खातों में या नहीं हो रही उनके खातों में, जो मकान का नुकसान है उनके खातों में बहुत जल्दी जैसे सरकार देगी। आपने देखा होगा मेरा आपने को मेरा बात है, मैंने परसों नंबर आया था जी परसों ही आया था आया नंबर, मैंने कहा है कि जहां बिजाई हुई है हो रही है उनको भी मुआवजा दें, जहाँ नहीं हो रही है हो रही है उनको भी दें, और पानी जहाँ खड़े उसको निकासी पानी जल्दी निकाले सरकार, ऐसा मैंने विधानसभा में कहा है। बाढ़ तो प्रभावित किसानों दी साड़ियां मंगा सी मुआवजे नू लेके, फसलां जिहड़ियां डुब्बियां उन्हां नू लेके, ट्यूबवैल बर्बाद होए उन्हां नू लेके, वह सारिया मंगा जिहड़ियां वह सरकार का नुमाइंदा होने के नाते, क्योंकि वह लोकल बैठे ने, इस करके इत्थों दे जिहड़ा MLA डूडाराम जी नू असीं दित्तियां ने, तां डूडाराम ने सानू यह आश्वासन दिता है कि साडी मुख्यमंत्री नाल मीटिंग दे विच उन्होंने साडे कोल मन्निया कि असीं बहुत जल्द जिहड़ा फसल पूरी तरह डैमेज हुई है वह भी मुआवजा देवे, तो जी फसल दोबारा लगी डैमेज होने बाद भी मुआवजा देवे, लेकिन क्योंकि सरकार वालों अपने वालों कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह की कोई जारी नहीं की गई, इस करके इस गलबात तो बाद हम संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है वह बैठती है, वह सारी विचार करेंगे कि अगे की रणनीति की होनी चाहिए है। दूसरी जो विधानसभा के विधायक ने यह कहा कि पानी नहीं है फतेहाबाद के खेतों के उन्होंने वो इस तो साफ मुकर गए, वो कहते मैं सिर्फ ये कहा कि अभय सिंह तू फतेहाबाद का दौरा नहीं किया तू झूठा है, वो कहते मैं पानी की गल नहीं की सी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे साथियों ने वीडियो सुनी हुई है, वीडियो के स्पष्ट की कहा गया है, ये सारे साथी जानते हैं, असं संयुक्त मोर्चा की हम एक कमेटी की अपनी मीटिंग बुला के उस तो बाद अगे की रणनीति का जरा ऐलान करेंगे। हाँ जी अज ये घिराव किया गया फतेहाबाद MLA का, अगर साड़ियाँ अज के घराव तो बाद भी कन्ना तक सरकार के कन्ना तक साड़ी आवाज़ नहीं पहुँचती तो अगले हफ्ते से रतिया के विधायक का घराव करा। आज यहाँ फतेहाबाद जिले के किसानों के द्वारा जो फतेहाबाद जिले के अंदर नगर के द्वारा बाढ़ आ गई थी, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो चुकी थी, उस
के लिए लेकर के सरकार की तरफ से किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। स्वयं विधायक ने वहां कहा था विधानसभा के अंदर की फतेहाबाद के अंदर कोई पानी नहीं चढ़ा हुआ। आज उन्होंने अपने मुख से किसानों के दबाव की वजह से मानने पर मजबूर हुआ कि यहां इतना पानी चढ़ा हुआ है, आने वाली गेहूँ की फसल भी नहीं बिजाई होगी। हमारे किसानों की मांग थी कि जो यहाँ फसल खराब हुई है उसको लेकर के आप मुआवजा कितने दिन में निश्चित करेंगे, उसका कलर बताएं। लेकिन विधायक जी ने जवाब दिए, कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने हामी भरी है, लेकिन एक फसल के अलावा हमारी इस इलाके की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो ठंड के समय में आने से किसान तबाह हो चुके हैं। खेत के अलावा हमारे जो खेत के अंदर ट्यूबवेल थे, लगभग 80% ट्यूबवेल खत्म हो चुके हैं। ट्यूबवेल का कोठा जो मकान है वो खत्म हो चुका है। और इस इलाके के अंदर जो खेतों के अंदर करोड़ों रुपए से मकान बनाए हुए हैं वो लगभग 80% खत्म हो चुके हैं। और खेती के अलावा पशुपालन का काम है जो 378 सरकार के आंकड़े मान रहे हैं कि पशु मर चुके हैं। इसके अलावा हमारे मुर्गी फार्म है और हमारे इस फतेहाबाद सरसा जिले के अंदर बहुत सारी बागवानी का क्षेत्र है जो किन्नू का है, अमरूद का है, बिल्कुल 100% तबाह हो चुका है। उनकी भी हम आपके माध्यम से सरकार से सीधी मांग करते हैं कि स्पेशल गिरदौरी करा करके इन सभी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर गौर किया जाए। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से एक बात मांग और करना चाहता हूँ कि जो पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर अप्रैल के अंदर गेहूँ बेची गई थी, बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं, 4 किसान हिसार जिले के हैं, 3 किसान हमारे कैथल जिले के हैं और 12 किसान हमारे अकेले फतेहाबाद जिले के भुन्ना तहसील के हैं, जिनका गेहूं का पैसा उनके खाते में आज तक नहीं पहुंचा है। सरकार कहती है कि पोर्टल पर डलवा दो, पोर्टल डलवा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसी काम के नहीं है। वो किसान अपना कैसे काम चलाएगा, कैसे जीरी के लगवाई का पैसा देगा, अपने बच्चों का फीस कैसे भरेगा। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे अभी भी पेंडिंग है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।